हेलो। गुड आफ्टरनून। देखिए, आज की क्लास में हमको पढ़ना है डाइहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स बोलते हैं इसको। दो जीन्स या दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस जो होता है, एक साथ कैसे होता है, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। तो ये मेंडेलियन लॉ में आप पढ़ रहे हैं। मेंडेलियन लॉ में पहला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ते हैं। एंड तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल है। तो यहाँ देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। डाइहाइब्रिड क्रॉस में बेसिकली हमको पढ़ना है, देखिएगा व्हेन पेरेंट्स यूज्ड इन अ क्रॉस आर डिफरेंट इन टू कैरेक्टर्स, इट इज कॉल्ड द डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब दो कैरेक्टर्स का क्रॉस हम एक साथ कराते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉसिंग ऑफ ट्रू ब्रीडिंग येलो राउंडेड सीड टी प्लांट विद द ग्रीन रिंकल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस आर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो यहाँ पे जो मेंडल ने कैरेक्टर लिया था वो क्या लिया था, येलो राउंडेड सीड लिया था और ग्रीन रिंकल्ड सीड का क्रॉस एक साथ कराया था। तो ये दो कैरेक्टर हैं, एक कलर है और दूसरा है सीड का शेप। तो सीड का कलर एंड सीड का शेप, ये दो कैरेक्टर इन्होंने लेकर के क्रॉस कराया था। द F1 प्लांट इन डाइहाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिकली आर सिमिलर टू द डोमिनेंट फिनोटाइप, दैट इज येलो एंड राउंडेड सीड। तो F1 जनरेशन में जब इनका हम क्रॉस कराते हैं येलो राउंडेड सीड का क्रॉस जो होता है, जब हम ग्रीन रिंकल्ड से कराते हैं तो यहाँ पे जो हमको मिलता है वो येलो एंड राउंड सीड मिलता है, हेटरोजाइगस येलो एंड हेटरोजाइगस राउंड सीड मिलता है F1 जनरेशन में। द F1 रिजल्ट्स इन डाइहाइब्रिड क्रॉस आर सिमिलर टू F1 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो F1 का जो रिजल्ट आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में, सिमिलर रिजल्ट जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम F1 में रिजल्ट पाते थे, सेम एज इट इज मिलता है हमको। दैट इज कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर आर, दैट इज होमोजाइगस येलो एंड होमोजाइगस राउंडेड एंड होमोजाइगस रिसेसिव ग्रीन एंड होमोजाइगस रिंकल्ड आर द जीनोटाइप्स ऑफ द प्योर येलो राउंड एंड प्योर ग्रीन रिंकल्ड पेरेंट्स रिस्पेक्टिवली। देखिए बेसिकली हमने क्रॉस कराया था किसका, इसका कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर आर, यहाँ पे जो हमने क्रॉस कराया था। गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ F1 आर कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आई स्मॉल आर। देखिए जो हमने पेरेंट्स लिए थे वो लिया था वाई वाई आर आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। जब इनके हम गैमेट्स बनाएंगे तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर ये स्मॉल वाई स्मॉल आर बनेंगे। सो द जीनोटाइप ऑफ F1 इज, तो F1 का जो जीनोटाइप होगा देखिएगा वो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज द F1 जनरेशन का जीनोटाइप होगा ये। व्हेन मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 प्लांट्स ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ F2 प्लांट हैड येलो सीड एंड 1/4 हैज ग्रीन। तो 3/4 में येलो सीड मिले और उनको 1/4 में ग्रीन सीड मिले। द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेशन इन 3:1 रेशियो, राउंड एंड रिंकल्ड सीड शेप आल्सो सेग्रीगेटेड इन
थ्री इज टू वन। रेशियो जस्ट लाइक इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे 3:1 का रेशियो मिलता है, उसी तरीके से यहां भी डाइहाइब्रिड क्रॉस में ही हम F1 में 3:1 का रेशियो पाते हैं, राउंड एंड ग्रीन में, सॉरी राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन में। इन F2 देयर वर फोर फिनोटाइप, दैट इज येलो राउंड, येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन राउंड, एंड ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड। तो ये हमको फोर फिनोटाइप मिलते हैं यहाँ पे, दैट इज येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड। यहाँ पे दो बार हो गया है। ये फोर फिनोटाइप हमको मिलते हैं, एल्लो राउंड, एल्लो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड, इन द प्रोपोर्शन ऑफ 9:3:3:1। तो 9 हमको मिलते हैं राउंड एंड एल्लो, 3 मिलते हैं एल्लो एंड रिंकल्ड, एंड 3 मिलते हैं ग्रीन राउंड, एंड 1 मिलता है ग्रीन रिंकल्ड। येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, एज येलो रिंकल्ड एज एंड ग्रीन राउंड आर रिकॉम्बिनेशन। तो यहां पे देखिएगा जो क्रॉस कराया गया है यह है पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन कैसी है, राउंड येलो है एंड रिंकल्ड ग्रीन है। जब इनका हमने क्रॉस कराया और गैमिट बनाया तो राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन का गैमिट बना, इन गैमिट का हमने क्रॉस कराया तो राउंड एंड येलो ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये मिला। अब इनके बीच में हम सेल्फ क्रॉस करा देते हैं। अब इससे नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट जो हम बनाते हैं इनसे, तो नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट क्या क्या बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये फोर गैमेट्स हमको बनेंगे यहाँ पे, चार जो गैमेट हमको मिलते हैं ये। अब इनके बीच में हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं। जब हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो देखिएगा हमको 9 मिलेंगे राउंड एंड एलो। तो ये देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये हो गए राउंड एंड हेलो। फिर रिंकल्ड हेलो कितने मिलेंगे, एक हो गया रिंकल्ड हेलो, दूसरा हो गया और ये हो गया तीसरा रिंकल्ड हेलो। फिर हमको 3 मिलेंगे रिंकल्ड ग्रीन, एक दो सॉरी राउंड एंड ग्रीन मिलेंगे 3, और एक मिलेगा रिंकल्ड ग्रीन जो मिलेगा हमको वो मिलेगा 1। तो यही रेशियो जो है हमने निकाला है 9:3:3:1।
राउंड एंड येल्लो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येल्लो 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन 1। तो ये ओवरऑल डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो है रेशियो यहाँ पे आपको मिलता है। इसी को हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे अलग अलग करके आपको दिखाया गया है। तो देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द F2 जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप ऑफ ए डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप देख लेते हैं। तो बेसिकली जो आपने 9:3:3:1 पढ़ा है ये फिनोटाइप है उसका। तो देखेंगे द 9 जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन फॉर द 2 जीन्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ 3 जीनोटाइप्स फॉर ईच जीन एज शोन बिलो। जीन 1 जीन 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो देखिएगा होमोजाइगस राउंड एंड येलो ये मिलता है 1, ओवरऑल है 16। 16 कॉम्बिनेशन में एक जो है कंप्लीट डोमिनेंट राउंड एंड येलो है। राउंड एंड येलो डोमिनेंट राउंड यानी होमोजाइगस राउंड एंड हेट्रोजाइगस येलो मिलता है हमको 2, टोटल 16 है। एंड राउंड एंड ग्रीन मिलता है 1। हेट्रोजाइगस राउंड होमोजाइगस येलो मिलता है 2, हेट्रोजाइगस राउंड एंड हेट्रोजाइगस येलो टोटल कॉम्बिनेशन है 4। देन देखेंगे राउंड एंड ग्रीन 2, जिसमें से हेट्रोजाइगस राउंड है क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर है एंड स्मॉल आई दैट इज ग्रीन। रिंकल्ड येलो में देखिएगा स्मॉल आर आर हो जाएगा और कैपिटल वाई वाई। रिंकल्ड येलो तो इसमें रिंकल्ड जो है वो होमोजाइगस है और येलो जो है वो हेट्रोजाइगस है, 2 मिलते हैं और 1 मिलता है आपको रिंकल्ड ग्रीन। तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको बताते हैं यहाँ से, जीनोटाइप और फिनोटाइप का परसेंटेज यहाँ से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे F2 फिनोटाइप। देखिएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 फिनोटाइप ऑफ अ सेल्फ F1 हाइब्रिड इज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेपरेट सेल्फ F1 मोनो हाइब्रिड फिनोटाइप, दैट इज 3/4:1/4। यहां को जीन 1 जीन 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ द फिनोटाइप दिया हुआ है। तो जीन 1 है राउंड, जीन 2 है येलो, ये राउंड एंड येलो है 9, राउंड एंड ग्रीन है 3, रिंकल्ड येलो है आपके पास 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन है 1। तो यहाँ से आपको ये फिनोटिपिक रेशियो मिलता है कितना, 9:3:3:1 रेशियो फॉर द पेयर ऑफ ट्रेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर दैट कॉम्बिनेशंस टर्न ऑफ एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द चांस। F2 फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1। F2 जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:4:2 1:2:1:2:1।
सॉरी, यहाँ पे रेशियो जो है आपका थोड़ा सा मिसिंग है, तो आप ये रेशियो जो है दोबारा से नोट कर लेंगे। यहाँ पे जो रेशियो रहेगा वो रहेगा आपका वन इज टू, टू इज टू टू इज टू फोर इज टू वन इज टू टू इज टू वन इज टू टू इज टू वन। देखिए तो टोटल 9 कॉम्बिनेशन है ना, 9 मिलते हैं, तो ये इनका रेशियो होता है। टोटल अगर F2 का जीनोटिपिक रेशियो आप लिखना चाहते हैं F2 का, तो ये F2 का जीनोटिपिक रेशियो जो है आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। डाई हाइब्रिड F2 जीनोटिपिक रेशियो ये जो जीनोटिपिक रेशियो आपको मिलता है, ये मिलता है कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। कैपिटल वाई कैपिटल आई कैपिटल आर तो यहाँ से ये रेशियो आपको मिलेगा वन इज टू टू इज टू टू इज टू फोर टू वन टू 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 वन टू टू इज टू वन। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो होता है, फिनोटिपिक रेशियो होता है। अगर आप नोट करना चाहें तो कहीं पे नोट कर सकते हैं।
देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ टाइप ऑफ फिनोटाइप दैट इज 4, नंबर ऑफ टाइप ऑफ जीनोटाइप 9, एंड रेशियो ऑफ डबल हेट्रोजाइगस टू डबल होमोजाइगस जो है 1:1 आएगा, एंड नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग फिनोटिपिकली सिमिलर टू द F1 इज टोटल 9 है, नंबर 9 है, एंड नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग इन F2 जीनोटिपिकली सिमिलर टू F1 4 है। इन F2 पेरेंटल टाइप टू रिकॉम्बिनेशन जो है टाइप फिनोटिपिकली ये 10:6 यानी 5:3 है। ईच पेरेंट फॉर्म द फोर टाइप ऑफ द गैमेट दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, देन द पुनेट स्क्वायर हैज 16 बॉक्सेस। तो देखिए इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे पुनेट स्क्वायर में हमको 16 कॉम्बिनेशन मिले हैं। बेस्ड अपॉन द डायहाइब्रिड क्रॉस रिजल्ट मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इसी के बेसिस पे जो है उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है दिया था। तो देखेंगे, तो पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड लॉ है जो है मेंडल का, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द लॉ स्टेट दैट व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ डाईहाइब्रिड द सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ ऑल पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इनडिपेंडेंट ऑफ अदर पाथ ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो देखिएगा इन्होंने बताया कि अगर दो कैरेक्टर का क्रॉस जो है हम एक साथ कराते हैं तो दोनों का जो सेग्रीगेशन होता है, सेपरेशन होता है, वो अलग अलग होता है, यानी ये अलग अलग ट्रांसमिट होते हैं और एक कैरेक्टर दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करता है यानी प्रभावित नहीं करता है। सेग्रीगेशन ऑफ द फैक्टर विद द कैपिटल आर स्मॉल आर यानी हेट्रोजाइगस राउंडेड एंड हेट्रोजाइगस येलो एंड आल्सो बिटवीन द पेयर आर इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द मियोसिस हेट्रोजाइगस राउंड एंड हेट्रोजाइगस येलो। सेग्रीगेशन बिटवीन, सेग्रीगेशन विद इन हेट्रोजाइगस राउंड एंड हेट्रोजाइगस येलो इज 50% एंड रिजल्ट इन फोर टाइप ऑफ द गैमेट दैट इज कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच टाइप ऑफ गैमेट्स इज 25%, तो चार है तो हर एक का परसेंटेज जो होगा वो 25% होगा चांसेस। द कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स दैट इज एग एंड पॉलन ग्रेन्स रिजल्ट इनटू फोर टाइप ऑफ द फिनोटाइप एंड 9 टाइप ऑफ द जीनोटाइप। तो यहाँ पे चार तरह के फिनोटाइप और 9 तरह के जीनोटाइप मिलते हैं हमको। Among the four type of the plants that is phenotype produced in the dihybrid cross, 9 are double dominant phenotype, 6 with one dominant and one recessive and one is double recessive. So 9, 6 and 1, so total ho gaya 16. Among the six single dominant, each dominant trait is found in three, that is color dominance 3 and shape dominant 3. So, teen color, teen, jo chhe total humko dominant milte hain, usme se teen color dominant hote hain, aur teen jo hote hain, wo shape dominant hote hain. Mendel independent assortment will not apply to two genes on the same chromosome. और वेन द जीन्स आर लिंक्ड, तो मेंडेलियन लॉ जो है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ जो है, ये ऐसे दो जीन के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है जो किसी एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हों और या फिर ये जीन एक दूसरे से लिंक्ड पाए जाते हों, तो उस केस में मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगा।
रिलेशन अमंग द पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट एलील गैमीट्स एफ टू जीनोटाइप एंड एफ टू फिनोटाइप व्हेन द डोमिनेंट इज प्रेजेंट। तो देखेंगे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ काइंड ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एफ टू जीनोटाइप एंड नंबर ऑफ एफ टू फिनोटाइप कितने होंगे। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर अगर एक है तो नंबर ऑफ काइंड ऑफ गैमीट्स जो बनेंगे दो, गैमीट दो बनेंगे, जीनोटाइप कितना होगा तीन होगा और फिनोटाइप होंगे दो। हेट्रोजाइगस अगर दो है तो गैमीट्स बनेंगे चार, जीनोटाइप होंगे नौ और फिनोटाइप होंगे फोर, जैसा कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में अभी हम पढ़ के आए हैं। ये जो रेशियो हमको यहाँ पे मिल रहा है ये अभी हमने पढ़ा कि फोर जो है आपको फिनोटाइप मिलते हैं, नाइन जीनोटाइप मिलते हैं। तो ये जो होगा ये एफ टू जनरेशन डाईहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड यानी दो कैरेक्टर का क्रॉस हम करा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पे है, तो यहाँ दो है यानी दो कैरेक्टर है, तीन होंगे तो नंबर ऑफ गैमीट्स जो होंगे तीन के केस में नंबर ऑफ गैमीट्स बनेंगे आठ। एक्चुअली नंबर ऑफ गैमीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू टू दी पावर एन, तो एन इज इक्वल टू है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। तो अगर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर जो है थ्री है, टू टू दी पावर थ्री यानी नंबर ऑफ गैमीट बनेंगे आठ, तो यहाँ पे आठ गैमीट बने हुए हैं, एट गैमीट्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप यहाँ कितने आएंगे 27 और नंबर ऑफ फिनोटाइप 8 आएंगे आपके। अगर हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं चार, टोटल गैमेट बनेंगे 16। एफ टू जीनोटाइप कितने होंगे 81, फिनोटाइप कितने होंगे 16। तो ऐसे ही अगर 10 ले लिया जाए तो 1024 नंबर ऑफ जीनोटाइप बनेंगे 59,059 और फिनोटाइप बनेंगे 1024। तो ये फार्मूला होता है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस होता है, टू टू द पावर एन दैट इज नंबर ऑफ गैमीट का फार्मूला होता है, एन इक्वल टू हेट्रोजाइगस है, जीनोटाइप पे होता है थ्री टू द पावर एन एंड फिनोटाइप पे होता है टू टू द पावर एन। अगला टॉपिक देखेंगे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में देखेंगे मेंडल प्रपोज दैट हेरिडिटी इज अंडर कंट्रोल ऑफ अ फैक्टर। देखिए मेंडल को एक्चुअली इन्होंने जेनेटिक्स पर रिसर्च जरूर किया था लेकिन इन्होंने इनको जीन के बारे में नहीं मालूम था, तो इन्होंने जीन को टर्म दिया था फैक्टर। क्या टर्म दिया था? फैक्टर, जिसको बाद में जीन बोला गया अदर साइंटिस्ट के द्वारा। नाउ कॉल्ड द जीन द फैक्टर्स कंट्रोलिंग अ ट्रेट अकर्स इन पेयर। तो ये जो फैक्टर होते हैं ये एक ट्रेट यानी कि एक कैरेक्टर यानी कि एक लक्षण को जो है कंट्रोल करते हैं और ये पेयर में पाए जाते हैं। They do not blend or mix. ये आपस में ना तो मिक्स होते हैं ना ही ब्लेंड होते हैं। They segregate and separate and enters into the different gametes. तो जो पेयर्ड फॉर्म होता है इनका, ये पेयर फॉर्म जो होता है ये सेपरेट हो जाता है और अलग अलग गैमेट में ट्रांसफर होता है। This was not accepted by contemporary biologist of Mendel's day as an एक्सप्लेनेशन फॉर कंटिन्यूअस वेरिएशन इन द नेचर। तो उस समय के साइंटिस्टों के द्वारा जो है ये नहीं माना गया कि ये कंटिन्यूअस वेरिएशन के लिए कोई ऐसा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या था, मेंडल की थियरी को डिस्कार्ड कर दिया गया उनके समय में, नहीं एक्सेप्ट किया गया। तो उसके पीछे कुछ रीजन थे। पहला था लैक ऑफ वाइड पब्लिसिटी ड्यू टू
शॉर्टेज ऑफ इजी कम्युनिकेशन, तो उस समय मेंडल जो है अपनी बात को ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचा पाए थे क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे कम समय के अंदर जो है ज्यादातर लोगों तक ही उनकी बातें को पहुंचाया जा सके। रिजेक्शन ऑफ मैथमेटिकल अप्रोच टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेनन। एक्चुअली जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे ये एक मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिकल व्यू जो है दिया था, तो इस वजह से जो है बाकी साइंटिस्टों ने बायोलॉजिकल व्यू में मैथमेटिकल अप्रोच को जो है डिस्कार्ड कर दिया गया। फेलियर ऑफ मेंडल्स टू शो द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ जीन्स। मेंडल जो है फिजिकली दिखा नहीं पाए कि जीन क्या होता है या कैसे पाया जाता है, और दियर कंपोजिशन ना ही उसके कंपोजिशन के बारे में बता पाए, आर द रीजन फॉर द नॉट एक्सेप्टिंग द मेंडल्स थियरी ऑफ हेरिडिटी। तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से मेंडल के थियरी को उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट देखेंगे डिब्रीज, दैट मींस इनका पूरा नाम था ह्यूगो डिब्रीज, कोरेंस एंड टेसनमार्क रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स लॉ। अंडरलाइन कर लीजिएगा, मेंडल की थियरी को इन साइंटिस्टों ने दोबारा रीडिस्कवर किया। माइक्रोस्कोपी हेल्प टू ऑब्जर्व द क्रोमोसोम दैट इज कलर कलर्ड बॉडी। क्रोमा का मतलब होता है कलर एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी कलर्ड बॉडी यानी क्रोमोसोम बोलते हैं इसको। तो माइक्रोस्कोप की मदद से इन लोगों ने जो है क्रोमोसोम्स की को ऑब्जर्व किया देखा, एंड डबलिंग एंड डिवीजन जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। तो इन क्रोमोसोम का नंबर जो होता है ये डबल होता है और ये फिर डिवाइड कर जाते हैं हर एक सेल डिवीजन के दौरान। क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन हैव बीन वर्कड बाय आउट बाय 902 बोथ इन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो 1902 में क्रोमोसोमल डिवीजन या सेल डिवीजन के दौरान जो है क्रोमोसोमल मूवमेंट पे जो है वर्कआउट किया गया, और माइटोसिस और मियोसिस में किस तरीके से क्रोमोसोमल मूवमेंट होता है इसके बारे में डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट देखेंगे सटन एंड बावेरी, वाल्टर सटन एंड थियोडोर बावेरी, ये पूरा नाम है इनका, शॉर्ट में हम सटन एंड बावेरी से काम चला लेते हैं। सटन एंड बावेरी प्रपोज द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज क्रोमोसोम्स आर द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो बाद में सटन एंड बावेरी ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया कि किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, वो उसके लिए एक फिजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज द क्रोमोसोम। आफ्टर ऑब्जर्विंग द क्लोज सिमिलरिटीज इन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स और फैक्टर्स ऑफ द मेंडल, तो इन जब बाद में डिस्कवरी की गई और ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि क्रोमोसोम्स जीन्स और फैक्टर जो कि टर्म दिया गया था मेंडल के द्वारा, इनके बिहेवियर में काफी सिमिलरिटी मिलती है, यानी सब एक ही काम करते हैं। दे एक्सप्लेन्ड द मेंडल लॉ बाय यूजिंग द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। उन्होंने मेंडेलियन लॉ का यूज किया था एक्सप्लेन करने के लिए कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स का मूवमेंट कैसे होता है। The parallelism in the behavior of chromosomes and genes is that both of them occurs in the pair due to the fertilization and single due to the segregation in the meiosis. So, chromosome और gene के बीच में जो parallel behavior पाया गया कि that means जो chromosome का जो function होता है वही same function जो है वो gene का होता है, दोनों पेयर में पाए जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जब सेल डिवीजन होता है तो फिर ये सेग्रीगेट हो जाता है यानी अलग अलग हो जाते हैं। हेंस जायगोट और सोमेटिक सेल कंटेन्स द फैक्टर इन पेयर्स एंड गैमीट्स।
The bridge between the generation have the single factor or trait or single chromosome of a type. तो जो somatic cell होती हैं, somatic cell में paired chromosomes पाए जाते हैं. जैसे आप पढ़ते हैं कि human body cell जो होता है, human body cell में total number of chromosomes जो है वो 40 पाए जाते हैं. That is 23 pair बोलते हैं हम. ठीक है, जो कि जब इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ये तो 23 पेयर हैं, तो ये 23-23 क्रोमोसोम जो है वो अलग हो जाते हैं और ये गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं. तो हर एक गैमीट में अपने टाइप का एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि पेयर्ड फॉर्म में सोमेटिक सेल में पाया जाता है. Genes are located on the chromosomes and alleles of a gene are at homologous site, that is locus. देखिए, paired form of a gene is known as the allele. जैसे मान लीजिए कोई जीन है, जीन है A, तो इस जीन का जो paired form होगा, that is AA, ये कहलाएगा allele. तो पेयर्ड फॉर्म ऑफ ए जीन जिसको हम क्या बोलते हैं, एलील. अब एलील जो होते हैं किसी भी क्रोमोसोम्स के, जैसे ये मान लीजिए होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इस होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन पर ये एलील्स पाए जाते हैं. जैसे मान लीजिए कि अगर एक यहां होगा तो दूसरा सेम पोजिशन पर दूसरे क्रोमोसोम पर होगा. अगर यहां पर कोई जीन बी पाया जाता है तो दूसरे क्रोमोसोम पर भी जीन बी पाया जाएगा. तो जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो हर एक पेयर से एक एक क्रोमोसोम्स जो होते हैं उस गैमीट में चले जाते हैं. तो इन दोनों गैमीट में सेम जीन का ट्रांसफर होता है, सेम एलील जो है, जीन के फॉर्म जो होते हैं एलील जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं ऑन द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी सेम लोकाई पर जो है वही जीन्स पाए जाते हैं. देखे यहां मियोसिस के दौरान जो है क्रोमोसोम्स का डिवीजन जो है दिखाया गया है, तो इसको आइए हम देखने की कोशिश करते हैं. ये हमारा जीवन फेज है, गैप फेज वन है, इसके बाद एस आता है, देन जी टू आता है. एस फॉर सिंथेटिक फेज बोलते हैं, जिस दौरान जो है क्रोमोसोमल कंटेंट या जेनेटिक कंटेंट जो होता है वो सेल का वो डबल हो जाता है. तो यहाँ पे देखिएगा, एक येलो, एक ऑरेंज और एक ग्रीन और एक रेड, ये क्रोमोसोम के पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको. फिर एस फेज के बाद जब जी टू में पहुंचते हैं तब तक इनकी संख्या जस्ट डबल हो जाती है. देखिए डबल हो गई ना. फिर अब यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट शुरू होता है, यानी मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज के दौरान ये जो है वो सेपरेट होने लगते हैं, अलग अलग होने लगते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर. ठीक है, तो ये अलग हो जाते हैं. फिर ये आपका मियोसिस सेकेंड का एनाफेज है, फिर यहाँ से जर्मिनल सेल का फॉर्मेशन होता है. तो एक सेल से यहाँ पे देखिए 4 जर्मिनल सेल्स या जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, तो इसी को हम बोलते हैं मियोसिस. मियोसिस बेसिकली जो होता है वो हमारे गोनेडियल सेल में होता है, जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है स्पर्म या ओवा का, दैट मीन्स टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर पाया जाता है. इस तरीके का डिविजन देखने के लिए मिलता है. देखें यहाँ कुछ क्रोमोसोम और जीन्स में डिफरेंस दिखाए गए हैं या सिमिलरिटी बताई गई है. तो देखिएगा, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स बोथ आर प्रेजेंट इन द पेयर, अकर्स इन द पेयर, अकर्स इन द पेयर, सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस. क्रोमोसोम जो होता है गैमेटोजेनेसिस के दौरान अलग हो जाता है, सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसफर टू द गैमेट. इस तरीके से अलग होते हैं कि हर एक पेयर से एक एक जो होता है वो हर एक गैमेट में ट्रांसफर होता है.
जीन्स में देखेंगे सेपरेट एट गैमिट फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमिट एज वन ऑफ द क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम से ये जो जीन्स होते हैं वो उसका हर एक पेयर से एक जो है जीन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है उसी क्रोमोसोम के ऊपर जो पाया जाता है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो इंडिपेंडेंट पेयर जो होता है इसका सेग्रीगेशन या जब अलग होता है तो ये इंडिपेंडेंटली होते हैं, एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग होते हैं। जीन में देखिएगा वन पेयर सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली टू ईच अनदर पेयर, दे रिटेन दियर नंबर, दे ऑल्सो रिटेन दियर नंबर। जीन और क्रोमोसोम दोनों में एक ही तरीके का होता है। दे रिटेन दियर नंबर स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द लाइफ एंड फॉर्म द फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी जब ये ट्रांसफर होते हैं तो ये अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखते हैं। एंड जीन में देखेंगे दे रिटेन दियर नंबर स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट दियर लाइफ एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। सेम जो है क्रोमोसोम्स और जीन में यही सिमिलरिटी होती है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बारे में नेक्स्ट जो है सर्टेन बावेरी के एक्सपेरिमेंट के बारे में जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कल के क्लास में।